नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल के मैदान पर हुए चौथे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को इतिहास रचते हुए 157 रनों से हराया है। इस मैच की शुरुआत में भारत काफ़ी पीछे नज़र आ रहा था, मगर बाद में पूरी टीम ने कमाल की वापसी करके दिखाई और मैच अपने नाम किया। इस वक्त भारत सीरीज में 2-0 से आगे हो गया है और साथ ही साथ अब इस सीरीज को जीतने के बेहद करीब पहुंच गया है। इस वक्त इस भारतीय टीम की सभी दिग्गज जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने ओवल के मैदान पर पूरे 50 साल बाद मैच जीता है, जो कि एक ऐतिहासिक बात है। इस मैच में भारत के लिए एक हीरो नहीं रहा, बल्कि सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। अब भारत की इस जीत पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भारत की जमकर तारीफ की है और साथ ही साथ इंग्लैंड के ऊपर निशाना भी साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वो सभी लोग जिन्होंने भारत का मतलब सिर्फ टर्निंग पिच पर जीत समझा था, हमने उन सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। गौरतलब है कि जब इंग्लैंड की टीम ने भारत का दौरा किया था तो स्पिन की मददगार पिचों को देखकर इंग्लिश टीम के पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने निशाना साधा था और कहा था कि भारत सिर्फ स्पिन पिचों की वजह से ही जीत हासिल कर रहा है। सिर्फ सहवाग ही नहीं बल्कि पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज VVS लक्ष्मण ने भी भारतीय टीम को ट्विटर पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैच के पहले दिन 127 रनों पर 7 विकेट खोने के बाद बहुत कम बार टीमों को वापसी करते हुए देखा गया है और सिर्फ वापसी ही नहीं विदेशी सरजमी पर जीत हासिल करना अपने आप में इस जीत की अहमियत बताता है। आपको बता दें कि भारत को अगला मुकाबला 10 सितंबर को ओल्ड ट्रेफर्ड मैनचेस्टर में खेलना है और अगर भारतीय मुकाबला जीत गया तो ये ऐतिहासिक जीत भी होगी और साथ ही साथ भारत 14 साल बाद इंग्लैंड में सीरीज जीतने में कामयाब हो पाएगा। भारत ने आखिरी बार साल 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला जीती थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।